विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो, जब भी हुआ प्रतिपक्ष के लोगों को बुलाया है, सम्मान दिया है, और ये मानसिकता घमंडिया गठबंधन से मुझे अपेक्षा नहीं है। ये चुनावी स्टैंड है, सिर्फ लूट खसोट करने का एक वातावरण है। आलोक मेहता को किस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा के साथ साथ हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर विजय कुमार सिन्हा से जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि द्रौपदी मुर्मू जो महामहिम राष्ट्रपति है वो आज पटना आई है, और नीतीश कुमार ने विरोधी दल यानी कि नेता प्रतिपक्ष और कोई भी विरोधी दल के नेता को वो लोग नहीं बुलाए हैं, इस पर जवाब देते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये नीतीश कुमार की मानसिकता को दिखाता है कि ये लोग जो है इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन का निर्माण कर रही है। पहले सुनिए कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, माननीय राष्ट्रपति महोदया का हम लोग पटना में हृदय से स्वागत करते हैं, और संवैधानिक पद पर बैठे हर व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं। पटना आए हैं, पटना और बिहार के विकास के लिए कुछ नया करने का सरकार के मन में कोई संकल्प आया है तो उसको साकार करने के लिए आए हैं। निमंत्रण देना, संवैधानिक पद का सम्मान करना, ये घमंडिया गठबंधन के लोगों की मानसिकता में नहीं है। संवैधानिक पद का, संविधान का, संवैधानिक संस्था का ये सम्मान नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों की मानसिकता को हमने तो सिर्फ आभास कराने का प्रयास किया। अरे, हम तो हृदय से राष्ट्रपति महोदया या माननीय राज्यपाल महोदय या माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं उनका सम्मान करते हैं, और उसी भाव में हम लोग लेके चलते हैं। लेकिन ये तो होना चाहिए कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बिना जब सदन में कोई मामला बढ़ नहीं सकता तो माननीय राष्ट्रपति महोदया जब आ रही हैं, माननीय राज्यपाल महोदय में दोनों को हमने तो हमेशा विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो, जब भी हुआ प्रतिपक्ष के लोगों को बुलाया है, सम्मान दिया है, और ये मानसिकता घमंडिया गठबंधन से मुझे अपेक्षा नहीं है। क्यों आपको छोड़ दिया गया? कहे तो घमंडिया गठबंधन से अपेक्षा नहीं है। लोग डरते हैं कि मेरी खामी को उजागर करेगा। उनको लगा कि तीन कैबिनेट, कृषि कैबिनेट तीन का मामला टाइट टाइट फिस हो गया, कागज पर भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, और चौथा के बारे में लोग, बिहार की जनता जानती है। अरे, जब उनके मंत्री, कृषि मंत्री कहा कि चोरों के सरदार बना दिए हैं, उसको गंभीरता से लेकर के उस पर एक्शन लेनी चाहिए थी, तो उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखा दिए। ये चुनावी स्टैंड है, सिर्फ लूट खसोट करने का एक वातावरण है। आज बताइए कि आज जिस समाज के लोग थे, यहाँ कह रहे थे कुशवाहा समाज के लोग, आलोक मेहता को किस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। कोई भी स्वाभिमानी आदमी ईमानदारी से काम करना वहाँ चाहेगा, वो सम्मान से और स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचारियों की मानसिकता की जमात का शासन चलता है। कृषि कैबिनेट पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ेगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं देने को लेकर के सरकार पे हमलावर है, और इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन कह करके बुला रहे हैं। सहयोगी जगह के साथ संजीव सिंह, 24 पटना।